सबसे बड़ी तारीफ है वो दिखाओ फोन का है। मैं सिंदूर लगाऊ नहीं लगाऊ, इन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ प्लान नहीं किया था लेकिन हाँ कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम अपने आप मैच हो गया, इसे कहते हैं मोहब्बत। I'm wearing this jacket and the entire suit by a designer called Tisa and they've designed my entire trousseau. And मैंने जो ड्रेस पहनी कलकी से है and I got it from there and मुझे बहुत सिंपल सा चाहिए था, कुछ बहुत ओवर द टॉप भी नहीं। So and my makeup hair is all done by my very personal team. I was dying to come back to them. तो मैं मुंबई जैसे आई हूँ, I just called my personal team and I've got ready. So we were contemplating कि मैं सिंदूर लगाऊँ नहीं लगाऊँ, इन वेस्टर्न ड्रेस के साथ जाएगा या नहीं, बट देन इन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फाइनली लगा लिया चुपके से। इट्स अ पार्टी, अ हार्ड कोर पार्टी जिसमें ये कॉकटेल इवनिंग है बेसिकली, और सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं हमारे पूरी इंडस्ट्री से, जितने भी मेरे 10 सालों में मेरे दोस्त बने हैं एंड विवेक के दोस्त सब आएंगे यहाँ, एंड कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एन्जॉय टुडे, हम चाहते हैं आज कोई रोक टोक नहीं हो किसी पे भी, जितना एंजॉय कर सके जब तक एंजॉय कर सके करें। वो जब हमने शादी की भोपाल और चंडीगढ़ में, तो जब आपका इवेंट होता है तो आपके और जो आपकी इमीडिएट जो फैमिली होती है वो इतना एंजॉय नहीं कर पाती है। सो ये पार्टी हमने दो रीजंस के लिए रखी है, एक हम एंजॉय कर पाएँ और दूसरा जो लोग भोपाल नहीं आ पाए लेकिन हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मित्र हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ पार्टी करें। अब तो बीवी हो गई है इनकी, इनकी हर रोज तारीफ होती है। सबसे बड़ी तारीफ है वो दिखाओ फोन का है। He stole my phone today और कुछ कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या, और जब मैंने देखा तो पीछे लिखा हुआ था मिसेस दहिया। I keep calling her, I have stopped calling her Divyanka और Div, I just address her as भगवान और मिसेस दहिया। शूट की तरह हुई हमारी शादी, बिल्कुल शूट की तरह रही है शादी। मतलब फेरे भी ऐसे हुए, जल्दी करो फ्लाइट छूट जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि टेलीकास्ट प्रॉब्लम है, जल्दी निकालो सीन, जल्दी निकालो। पंडित जी, अरे फलाने को बुलाओ, ढिकाने को बुलाओ, ये कहाँ है वो कहाँ है। पंडित जी बिना फंबल किए फटाफट डायलॉग्स बोल दो। हाँ तो पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोल रहे थे, फटाफट करा रहे थे, मतलब रस्में सारी पूरी हुई हैं, लेकिन जल्दी वाला होता ना वो वाला हुआ है सब कुछ। इवन मेरी जो विदाई है वो भी बहुत, इनकी विदाई हुई है एयरपोर्ट से, भोपाल के एयरपोर्ट से, और वो एक एक ट्रेडिशन होता है जिसमें आप क्या होते हैं वो छुआरे होते हैं, क्या होता है वो, वो ऐसे फेंकना होता है। तो मैं चाहती थी मेरे घर से हो, तो खैर मैं घर तक पहुंच ही नहीं पाई, इतना फ्लड था हमारे घर पे। सो मम्मा पापा ने सबने रोक दिया कि नहीं नहीं घर मत आओ, एयरपोर्ट ही पहुंचो, एंड एयरपोर्ट पे फिर हम मेरी विदाई हुई। दिव्यांका विवेक को कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी का दिन। मैं यही चाहूँगी कि उनकी लाइफ में बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा प्यार और फैमिली सपोर्ट और सक्सेस जो है दोनों को मिले, और वो अभी तक बहुत कामयाब हैं, आगे भी ऐसे ही इससे ज़्यादा कामयाब हो, और एक दूसरे को सपोर्ट ऐसे ही करते रहें और प्यार बरकरार रहे। मैं उनको बस ये कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट एंड यू ऑल लुक लाइक अ ड्रीम टुगेदर, जस्ट ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं चाहूँगा, भगवान करे वो अपनी वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी रहे और खुश रहे और उनका वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय रहे। दिव्यांका बहुत ही खूबसूरत इंसान है, जितनी अच्छी वो दिखती है उतनी बेहतरीन इंसान भी हैं, और उतने ही अच्छे उनके पति भी मिले हैं। सो आई वॉन्ट टू विश द कपल अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू विश कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, बिकॉज ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मानी जाती है शादी। सो नई जिंदगी की शुरुआत में उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। दूल्हा दुल्हन को उनके शादी में बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपने जीवन को इसी तरह चमकाते रहें, रोशन। एक लड़की के लिए शादी इज लाइक अ न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ, तो आई जस्ट विश द मैरिड कपल अ वेरी हैप्पी मैरिज। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, दिव्यांका और विवेक दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग नहीं जा पाए थे भोपाल और चंडीगढ़ बिकॉज यू नो इट्स टू फार एनी वे, बट बहुत 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 खुशी मिले दोनों को और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बहुत खुशहाल रहे, एंड बट आई विश दिव्यांका ऑल द बेस्ट। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। शी इज़ अ मैरिड वुमन नाउ एंड
I wish her all the happiness, and I wish her a very, very, very blissful, happy, warm, fulfilling married life. Well, love you very, very, very much. And congratulations, aapki shaadi hogi aur aap hamesha khush raho. Hum Divyanka aur Vivek ko ye kehna chahenge that many, many congratulations. Wish you a very happy married life and stay happy forever. Absolutely, all the possible happiness to both of them. They are going to definitely rock. I think jitni Divyanka happy hai, usse bahut zyada hum happy hain. Ye duaen hain meri Divyanka aur Vivek ke liye ki unki aane wali zindagi bahut khushhal rahe. Jo bhi unhone apne sapne dekhe hain aane wali zindagi ke liye, wo pure hon. Kisi bhi tarah ki pareshani na ho, khushiyan bani rahe. All the best, stay together, stay blessed. कपल को तो विश यही होती है कि भाई अपना शादी एंजॉय करें. शादी बहुत ही खूबसूरत चीज है. लोग ये गलत धारणाएं हैं कि भैया जिसने शादी का लड्डू खाया वो पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया. शादी का लड्डू खाने वाला कोई पछताता नहीं है. ये बहुत इंजॉयबल चीज है. साथ में शादी अगर आपकी आपके दोस्त के साथ हो जाए तो इट्स अ वंडरफुल एसोसिएशन. कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस, यू ऑल डिजर्व इट एंड यस, विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, कांग्रेचुलेशंस गाइस, मे यू ऑल हैव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ एंड ऑल द हैप्पीनेस टू यू एंड यू गाइस डिजर्व इट. लॉट्स ऑफ लव. यस, दोनों को शादी की बहुत-बहुत बधाई देता हूं मैं. दुआ करता हूं दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. दिव्यांका एंड विवेक एक सुंदर गृहस्थ जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें. उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उतार चढ़ाव को एक साथ मिलके पार करें और हमेशा साथ बना रहे उन लोगों का. हम जल्दी से चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा जाके भी विश देम रियली रियली अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड इनिंग दैट दे हैव अहेड. जैसे कि दिव्यांका और विवेक ने आज की शाम का नाम रखा है, देयर हैप्पीली एवर आफ्टर. सो यार डेफिनेटली हम यही विश करेंगे, दे हैव दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड स्टेज हैप्पीली एवर आफ्टर. हाउ डू यू गाइस गॉट मैरिड एंड विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड दे लुक लाइक अ लवली कपल एंड या मेड फॉर ईच अदर. विश दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा. शादी एक ऐसी चीज़ है, लाइफ का एक स्टेप होता है, एक बहुत बड़ा स्टेप होता है. तो आई एम श्योर कि यू नो दोनों ने बहुत सोच समझ कर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जब भी मिलते हैं हमेशा हंसते रहते हैं और यू नो दे वेरी लवली एंड आई जस्ट विश देम कि हमेशा ऐसे ही रहो, खुश रहो और खुशियाँ फैलाओ. ऑल द वेरी बेस्ट बोथ यू एंड यू बोथ मेक अ लवली पेयर. पार्टी बहुत मज़ेदार थी एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एवरीबॉडी वाज वॉकिंग एंड टॉकिंग. कोई स्टेज नहीं था जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को और हम लाइन लगा के मिले. हालांकि हमारे रिसेप्शन में ऐसा हुआ था क्योंकि फोटोग्राफ्स नहीं थी, बट दिस इज मोर फन क्योंकि दूल्हा दुल्हन घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं. मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, बहुत खुश रहे, एंजॉय करें.